नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी चीज के बारे में जानकारी ना हो तो उसे करने में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होती है, लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या हो सकता है उसका अंदाजा आपको बीजेपी के इस विधायक की हरकत से लग सकता है, क्योंकि उन्होंने एक सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही इनके पीछे पड़ गए। विधायक कौन है? विधायक हैं गुजरात के आणंद से और इनका नाम है योगेश पटेल। दरअसल इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया सुभाष चंद्र बोस को लेकर। इन्होंने सोचा लगे हाथों उनके बारे में भी कुछ अच्छी अच्छी बातें जो है वो लिख दी जाए, क्योंकि मौका ऐसा ही था। इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जो लिखा उसमें गलती से, क्योंकि इन्हीं का कहना है, गलती से सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी बता गए। पोस्ट में क्या लिखा है सबसे पहले आपको वो बताते हैं। इन्होंने बाकायदा नेताजी का फोटो लगाया बगल में और उसके साथ में लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। वे आतंकवादियों के समूह के प्रमुख थे। वे समाजवादी आंदोलन की हिमायत के लिए जाने जाते थे। अब इसी बयान के बाद में जब कांग्रेस पार्टी ने, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने लगातार इनके ऊपर हमला बोला और कहा कि आप इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी कैसे कह सकते हैं, तो अब इस पर इनकी सफाई आई है। और सफाई देते हुए इन्होंने जो कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। इन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि दरअसल चूक जो है वो ट्रांसलेशन करते वक्त हो गई। इन्होंने लिखा किसी और भाषा में था, बाद में उसका ट्रांसलेशन किया जिसमें आतंकवादी शब्द जो है वो ट्रांसलेट होकर बन गया और इन्होंने आतंकवादी ही सोशल मीडिया पर चिपका दिया, जिसकी वजह से इनको काफी फजीहत का सामना करना पड़ा है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।